हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखो बेटा, लास्ट सेशन में मैंने आपको बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी थी। तो बेटा एक बार हम इसे रिकंटिन्यू कर रहे हैं। जो 22 पार्ट मैंने दिए थे उन्हें तो आप देख लेना, और इस सेमेस्टर के लिए मतलब इस बार के लिए मैं लगभग 5 से 6 या 7 वीडियो आपको और दूंगा, जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर में पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चन को भी मैं ले लूंगा, और अगर मेरे को कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो वो भी मैं इसमें ले लूंगा। लास्ट ईयर काफी, देखो लास्ट सेमेस्टर में काफी बार बच्चों के 75 भी काफी बच्चों के मार्क्स थे। तो अगर आप लोग ट्रस्ट करके इससे तैयारी करेंगे तो मैं आपसे ये विश्वास दिला रहा हूं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, और एक भी क्वेश्चन इस सीरीज के बाहर का आपको देखने के लिए पेपर में नहीं मिलेगा। और ये जो कि बिल्कुल फुल प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री है। अगर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन या बीसीए के बारे में, किसी भी सेमेस्टर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, जो कि व्हाट्सअप चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेंगी। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी मैं काफी इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहता हूं। तो अगर आप लोग जुड़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, और एक फैमिली की तरह हम सारी चीजें करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बस आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, अगर आप लोग दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेटा पार्ट नंबर 24 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे पार्ट को देखना। देखो स्टार्टिंग ही कर रहा हूं, और स्टार्टिंग में आपको इतना बता रहा हूं कि 20 से 25 मिनट रोज के निकाल लेना। और अगर आपने कुछ भी नहीं करी ना तैयारी मैथ में तो मेरे ऊपर छोड़ दो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आ रही बात समझ में? बाकी जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, जो सीसीएसयू वाले हैं, उनके लिए तो सोने पर सुहागा है। अगर उसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी से, उनके लिए भी अच्छा साबित हो सकता है ये फुल प्लेलिस्ट। तो बेटा देखो, प्यार बनाकर रखना, सपोर्ट बनाकर रखना। पार्ट नंबर 24 हम करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे ज्यादा ज्यादा शेयर कर सकते हो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल का आइकन को प्रेस कर सकते हो। और एक चीज और, देखो कुछ बच्चे वो कमेंट करेंगे सर ने 2 मिनट तो ऐसे ही निकाल दिया। देखो जितनी बात मैं बोलता हूँ ना, प्यार से सुना करो, क्योंकि पॉजिटिव वाइब के साथ हम अगर वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में भी थोड़ा सा अच्छा आएगा, मेरा खुद का मानना। आ रही जी बात समझ में? तो चलिए बिना तो हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि काफी बार पेपर में पूछा गया, लास्ट टाइम भी ये पेपर में आया है, लास्ट टाइम भी पेपर में देखने के लिए आपको ये मिला होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है वो एक बार बता रहा हूं। ये कह रहा बेटा, इफ y इज इक्वल्स टू इतना, देन प्रूव दैट dy / dx इज इक्वल्स टू x - a / 2x * अंडररूट ax, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, रूट वगैरह से डरा मत करो, बट बेसिक तरीके से जो भी आपको पता हो उन्हें आराम से बेस मान के सॉल्व करते रहा करो। देखो जो आपको गिवन है, सबसे पहले आप वो लिख लो, y is equals to under root x upon a plus under root a upon x, ये बेटा आपको गिवन है। बेसिकली इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो इसे मैं एक काम करूंगा, देखो मैं इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट a प्लस अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट एक्स, अलग अलग रूट में लिख लिया। इसके बाद बेटा देखो इसका एलसीएम ले लो, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट एक्स। बेटा अंडर रूट एक्स के अंडर रूट एक्स में मल्टीप्लाई कर दो क्या जाएगा एक्स, और प्लस अंडर रूट ए के अंडर रूट ए में कर दोगे तो क्या जाएगा ए आ जाएगा। अब देखो वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए अपॉन में, इन दोनों को एक रूट में लिख लो तो क्या जाएगा अंडर रूट ए एक्स। ठीक है, ये आपको मिल गया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं। यहां डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो पेपर में लॉन्ग में आया था ये भी, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपका वेट कर रहे हैं। देखो 22 पार्ट देखने उतने ही जरूरी है, कभी आप ये सोच के चलो कि उन 22 पार्ट को ना देखो, और इस साल से जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि आप उन पर ही ध्यान दो। जो आपके और क्वेश्चन है ना उन्हें देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखो यहां डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो बेटा क्या आएगा, dy / dx इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां हम डिवाइड रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल में नीचे वाले क्या होता है, होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर। फिर बेटा इसे ऐसे रखेंगे, अंडर रूट ए एक्स को ऐसे रखेंगे, एक्स प्लस ए का, एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव, तो एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए का हो जाएगा 0। ठीक है, फिर माइनस एक्स प्लस ए को आपने ऐसे ही रखा, ठीक है,
इसे आपने ऐसे रखा और फिर किसका और नीचे वाले का भाई अंडर रूट ए एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा वन अपॉन टू ऑफ अंडर रूट ए एक्स। आ रही जी बात समझ में? और भैया अगर ए एक्स का डेरिवेटिव करोगे चैन रूल के अनुसार तो क्या आ जाएगा यहाँ ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, देखो डिवाइड रूल में आपको थोड़ा सा साइड में बता देता हूँ। डिवाइड रूल होता है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर कोई फंक्शन हमारा इस तरीके से डिवाइड में दे रखा है तो क्या करते हैं हम, नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को ऐसी लिख दिया और डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का करा माइनस, फिर एफ एक्स को ऐसी रख दिया और डी अपॉन डी एक्स किसका करा जी एक्स का करा। ठीक है, ये रूल होता पूरा। तो इसे आप देख सकते हैं नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाले को यहाँ ऐसी लिखा और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, और फिर ऊपर वाले को ऐसे रखा नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये नियम हम यहाँ पर लगाते हैं। देखो बेटा मेरा जो पर्पस रहता, मेरा पर्पस ये रहता कि हर उस बच्चे को समझ में आए जिसका जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो, पूरे टॉपिक में पूरी बुक में कुछ ना पढ़ा हो, पूरा बेसिक वो बिल्कुल ना जानता हो, पर मेरा उद्देश्य है कि उस बच्चे को मेरे को पढ़ाना है, उस एक एक बच्चे को जिनको बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता, तो मैं इसलिए सारी चीज बता कर चलता हूँ। और मेरे इतना सा बताने पर या एक दो मिनट और थोड़ा सा खर्च करने पर अगर किसी बच्चे को समझ में आ रहा तो भाई मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है, क्योंकि देखो हमारा कर्म धर्म सबसे बड़ा यही है जो हम काम यहाँ पर कर रहे हैं। आ रही जी बात समझ में? तो इसीलिए मैं हर चीज़ बता कर चलता हूँ, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल डेप्थ में चला जाता हूँ। अब इसका देखो एक डिसएडवांटेज ये है, जिन बच्चों को थोड़ा अच्छा आता है मैथ तो उन्हें थोड़ी सी मेरी जो वीडियो होंगी वो बोरियत भरी लगती होंगी, यार ये चीज़ तो हमने 12वीं में भी करी, यार सर ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं। पर बेटा उन लोगों का भी ख्याल मुझे ही रखना है ना जिन्हें कुछ भी ना आता, तो ये बात भी ध्यान रखो, है ना? तो थोड़ा सा इस बात पर बुरा मत मानना बिल्कुल भी, ठीक है? तो इस रूल के अनुसार हम यहाँ डिवाइड रूल हमने लगा दिया। अब लगाने के बाद देखो इसे रफ कर रहा हूँ मैं, अब सोल्व कर देते हैं जी। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो इसका अगर होल स्क्वायर करोगे अंडर रूट का तो क्या आ जाएगा बेटा ए एक्स आ जाएगा, और ये अंडर रूट ए इंटू एक्स और माइनस का एक्स प्लस ए और इंटू में ए भी आ जाएगा, और बेटा इसके पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा टू अंडर रूट ए एक्स, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो अब मैं इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले रहा हूँ तो ऊपर वाले का एलसीएम टू ऑफ अंडर रूट ए एक्स। अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इधर कर दूंगा, अगर इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा भाई मेरा, ये मेरा आ जाएगा टू ऑफ ए एक्स, क्या आ जाएगा टू ऑफ ए एक्स, और माइनस का ये क्या आ जाएगा मेरा एक्स प्लस ए को ऐसी रखो और इंटू में ए को ऐसी रखो, ठीक है? फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा ये ए एक्स हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद ध्यान देंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए की भी, तो यहाँ पर कर देती हैं टू ए एक्स और माइनस ये ए एक्स, और यहाँ पर ये करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर, और अपोन में टू अंडर रूट ए एक्स और इंटू में ए एक्स, ठीक है जी? इसके बाद देखो बेटा यहाँ ध्यान देंगे इधर, इसके बाद यहाँ देख लीजिए टू ए एक्स में से ए एक्स जाएगा तो ए एक्स बचेगा और माइनस का ए स्क्वायर और अपोन में टू ऑफ अंडर रूट ए एक्स इंटू ए एक्स। इसके बाद ऊपर से बेटा ए कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस ए बचेगा और यहाँ टू ए एक्स और अंडर रूट ए एक्स, आगे पीछे करके लिख दिया, ऐसा ए कैंसिल हो जाएगा। और देखो जो आपको लेकर आना एक्स माइनस ए और अपोन में टू एक्स और अंडर रूट ए एक्स, जो आपको लेकर आना था वो निकल के आ गया और आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, आप लिख सकते हो यहाँ हैंस प्रूव्ड। तो समझ में आया होएगा आपको, अच्छे से समझ में आया होएगा। देखो पूरे क्वेश्चन को देखो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मेरे से पूछो, एक एक स्टेप दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ ये मैंने जो गिवन था लिखा, उसके बाद रूट में अलग अलग करके लिख दिया, उसके बाद एलसीएम वगैरह ले दिया, एलसीएम लेने के बाद बेटा ये मिल गया मेरे को, लेने के बाद किसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया, तो डेरिवेटिव का जो रूल होता वो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को ऐसे रखा ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले को ऐसे रखा नीचे वाले का डेरिवेटिव, इस रूल के अनुसार भैया मैंने ये करा तो मेरा यह। फिर मैंने बेसिक कैलकुलेशन जो रूट फूट की मल्टीप्लाई है वो आपस में मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद जो बेसिक सॉल्यूशन होता है जो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं भैया वो काम हमने कर दिया, और जो मेरे को लेकर आना था लास्टली मेरा वो प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में आया आपका,
बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार ये आया। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे तरीके से आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो फटाफट यार लाइक करते चलो, शेयर करते चलो वीडियो को, उन बच्चों तक जरूर ये वीडियोस वगैरह पहुंचाओ जिनकी वास्तव में इनको आवश्यकता है। अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जाएंगी तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, या तो इसे जो कॉपी आपने बना रखी है उसमें नोट कर लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने उसमें देख लेना पेपर से एक दो दिन पहले, जरूर इन सारे क्वेश्चनों को आप देख कर जाना, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, आज का एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो कि ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया है, लास्ट ईयर ये भी पूछा गया है। अब देखो, आप ये सोच रहे होगे कि सर ने पहला पार्ट भी ऐसी सा दे दिया, उसमें ऐसे क्वेश्चन करवा दिया, जो दूसरा पार्ट है वो भी ऐसी सही दे रहे हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं। तो बेटा पिछले 2 से 3 साल में ज्यादातर देखा गया कि बीसीए में ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो एक नॉर्मल लेवल के लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें तो जरूर ही पहले करवा दूं, और जिनकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इस साल भी वे पूछे जा सकते हैं। आ रही ना बात समझ में? तो इस वजह से भैया इन क्वेश्चनों को पहले मैं प्राथमिकता दे रहा हूं, बाकी हो सब जाएगा। और उन 22 पार्ट में मैंने सारी चीजें करवाई हैं, हर टॉपिक में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सारे हमने लिए हैं। और फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो सोशल मीडिया का मैंने आपको बताई है भैया, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं भी जुड़ो, कोई मैं पैसा थोड़ी ले रहा हूँ आपसे। हाँ, अगर कोई बच्चा आप मेरे से जो भी दिल्ली NCR के आसपास गाजियाबाद वगैरह, क्यों गाजियाबाद में मेरा कोचिंग सेंटर है, वहीं मैं रहता हूँ, अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन पढ़ना हो कि हाँ सर हमें एक महीने क्लास दे दो, या 15 या 20 दिन क्लास दे दो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिठा के हमें समझा दो, तो भाई उसका मैं चार्ज करूंगा। पर मैंने बोल रखा है यूट्यूब पर ऑलवेज हमेशा मैं फ्री रहूंगा, तो कभी आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। आजीवन इस चैनल को मैं बिल्कुल फ्री रखूंगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, शिक्षा का प्रसार हर जगह तक करना, मतलब हर उस बच्चे तक शिक्षा पहुंचानी कि जो वास्तव में शिक्षा को पूछता, क्योंकि मैं इस चीज को सबसे ज्यादा पूछता हूं भाई, यह बात ध्यान रखो। तो यही बात आप लोगों तक कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों को आवश्यकता हो जरूर उन बच्चों तक पहुंचाइए। और मैं नहीं चाहता कि देखो आप बीसीए की इतनी बड़ी बड़ी फीस भर रहे हैं कि आप लोग ट्यूशन वगैरह की भी बहुत बड़ी बड़ी फीस भरें। पर देखो भाई एक ये ऑफलाइन में क्यों चार्ज कर रहा हूँ, क्यों कुछ बच्चे भी कह सकेंगे सर फिर तो ऑफलाइन भी फ्री कर दो। तो भैया ऑफलाइन जहाँ मैंने कोचिंग सेंटर खोल रखा तो ना तो भैया वो फ्री में वहाँ सारी चीज़ें होती हैं, और अपना जीवन बिताने के लिए देखो पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे की परिभाषा ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के साथ साथ भी आप बच्चों को पता चल रही होगी कि ग्रेजुएशन की पैसों की क्या परिभाषा होती है, ये बात आपको जरूर पता चल रही होगी। तो इसलिए देखो अपने मन लगा कर पढ़ो, खूब इच्छा से खूब मन लगा कर पढ़ो, 20-25 मिनट निकालो और देखो अपना सेफ जोन में पहुंच जाओ। मैथ्स में बैक आ जाओ तो मेरी जिम्मेदारी है, मन लगा कर पढ़ना, शिद्दत से पढ़ना बस, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो ये कहोगे अरे सर तुम तो बात ही इतनी करो हो। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या जी, सेकंड क्वेश्चन बेटा ये दे रखा, इफ वाई इज इक्वल्स टू इतना कोमा देन प्रूव दैट 1-x² dy/dx प्लस xy इज इक्वल्स टू 0, ये आपको दे रखा। तो जो गिवन है सबसे पहला वही लिख लीजिए, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1-x एंड 1+x। तो बेटा एक काम करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, या एक काम करते हैं y इज इक्वल्स टू सबसे पहले इसे रूट में ही a-b और a+b का फॉर्मूला लगा के a²-b² मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 1-x² इसे लिख देंगे, ठीक है। अब बेटा दोनों तरफा स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर आगा और यहाँ 1-x² आगा, रूट आपका कैंसिल आउट हो गया, इसे इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे, यहाँ करेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो रूट से कभी डर मत जाना, ये वाले क्वेश्चन औरों से भी ज्यादा हल्के होते हैं, आप देख भी रहे होंगे। आ रही ना बात समझ में? कोई क्वेश्चन ऐसा ना होएगा जो आपको समझ में ना आवे। अब जैसा बहुत बच्चे कमेंट करेंगे कि सर बहुत बार बोलते हो आप, पढ़ाते पढ़ाते बोलते हो, आ रही है बात समझ में? तो ये हैबिट में है थोड़ा सा है। तो जी इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो देखो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और वाई का dy/dx इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और माइनस x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान देंगे,
तो यहाँ मैं कर रहा हूँ ये 2y और ये dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस का 2x, जहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और जो dy अपॉन dx है बेटा ये आ गया आपका, ये आ गया आपका माइनस का x अपॉन y, y को मैं ऐसा नीचे लेगा, ठीक है। बाकी तुम एक काम और कर सकते हो कि इस y को यहीं रख के यहाँ से वैल्यू वगैरह सोल्व कर सकते हो। बाकी अगर ऐसा ना करना चाहो तो अब देखो ध्यान से देखना, ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे कि इसको ऐसे रखा dy अपॉन dx की वैल्यू है, इसे अब इसमें रख दो, ये LHS साइड हो गई और ये RHS साइड, तो LHS में रख दो इसे। तो यहाँ LHS ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx और प्लस का एक्स वाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का x और अपॉन में y और प्लस का एक्स वाई, ठीक है। अब देखो जी y की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी y की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का x और अपॉन में y की वैल्यू दे रखी है ये री अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे प्लस x और y की वैल्यू, फिर यहाँ देखो ये क्या दे रखी है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब भैया इसका ले लेंगे LCM, क्या ले लेंगे इसका LCM ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ LCM यहाँ पर लेते हैं, ये माइनस का x है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस के एक्स को आगे लिख ले इसको पीछे, ठीक है। और इसका LCM ले रही तो यहाँ ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसकी मल्टीप्लाई बेटा यहाँ करेंगे तो प्लस का x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्या होगा रूट से रूट हट जाएगा आपका, भाई रूट के रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर है आपका। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कटकर 0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करोगे क्या जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, क्या जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 0 ही आपको लेकर आना था तो आप लिख सकते हो अब हैंस प्रूव्ड। बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ी था, बस ये है जितना हो सका मन लगा कर पढ़ो, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। और इस पार्ट को भी हम यहीं तक रखेंगे, ये दूसरा पार्ट है आपका, मतलब इस बार इस वाले सेशन के लिए, बाकी ये 24th पार्ट है। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, इससे पहले वाले में किसी भी पार्ट के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट करके या फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप या इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट अगर रहा तो हम हर सेमेस्टर में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, जैसे सेकंड सेमेस्टर की मैंने पहले ही ऑलरेडी डाली हुई है तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से, हर सेमेस्टर में आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है और लास्ट टाइम भी पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये लिया है। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन को प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाकी वीडियो को शेयर करो, जितना अपना आपके कॉलेज वाला ग्रुप होगा जितना अच्छा होगा उसमें शेयर करो, हर बच्चे तक इन वीडियोस को पहुंचाओ, ठीक है। बस आप लोगों से यही उम्मीद रखते हैं। और बाकी अगर मन करे थोड़ा सा मन कर जा तो एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ देना, इससे छोटा सा मोटिवेशन हमें मिल जाए, है ना। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट का वेट कर सकते हैं। थैंक यू।